केश पिछाड़ केश पिछाड़ केश सर जो है थोड़ा ऑफिसर्स इंटरेक्शन में थोड़ा सा बिजी रहे और पहली बार आपको ये बताना चाहूंगा कि सर लोरन पे आज खुद गए थे जो कि उस पे नजर रहे। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए एसएसपी पूंछ से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोरन का इलाका ओवरऑल बहुत अच्छा इलाका है। मिल्टन सी के दौर में भी जहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने इलाके को संभाल के रखा है और दहशतगर्दी को किसी भी तरह इस इलाके के अंदर पांव पसारने का मौका नहीं दिया है। ऐसा ही आज भी चर्चा हुआ कि किसी वो जो पाकिस्तान के एजेंसी जो चाहती हैं कि अलग अलग इलाकों के अंदर मिल्टन सी दहशतगर्दी को फिर से जिंदा किया जाए, को नए टट्टू पैदा करने की कोशिश करते हैं जिनका निपटारा टाइम टू टाइम हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि अपने इलाके को हिफाजत में रखना है, उस तरह की कोई साजिश यहाँ पर कामयाब नहीं होने देनी है। छोटे मोटे तरक्याती कामों का और बाकी जरूरतों का चर्चा हुआ जिसको कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुँचाया जाएगा। सर, जम्मू कश्मीर के हालात को कैसे देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे और होने की उम्मीद रखते हैं जल्द ही। इस वक्त अमन ओमान का माहौल है पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर। अगर आप देखें तो किसी तरह का आवाम को आज की तारीख में हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना हो, इसको हर तरीके से शोर किया गया है। किसी के साथ ज्यादती किस तरह की फोर्सेस या पुलिस की तरफ से ना हो, इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है। किसी को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कोई और दूसरा आदमी खलल ना डाले, परेशानी पैदा ना करे, उसको इंश्योर किया जा रहा है। जहां तक के जो हड़तालों का, बंद कॉल्स का सिलसिला, पत्थरबाजी का सिलसिला, स्कूलों को बंद करने का, कॉलेजों को बंद करने का सिलसिला पीछे रह चुका है। आज नौजवान बच्चे अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, करियर अपना बना रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में जा रहे हैं और इसी तरीके से लोग बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। जब का इलाका जो है पार हमारे पड़ोसी के साथ अपनी सरहद शेयर करता है और उसके चलते जो सरहद के साथ इनकी जो नापाक कार्रवाइयाँ रहती हैं उनको कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी कभार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, इन्फिल्ट्रेशन कामयाब भी होती है। पिछले साल भी ऐसा हुआ, लंबा चौड़े ऑपरेशन काफ़ी लंबा अरसा चलते रहे रजौरी और पुंछ के खत्ते में। इस साल भी ऐसी कोशिशें हुई, इस बार भी कामयाब ऑपरेशन इस एरिया के अंदर हुए। मैं समझता हूं कि साजिश पार से है कि जहां पर कुछ दहशतगर्दी के जो वो हैं वो उसको दोबारा से कुछ लोगों को इस तरफ धकेला जाए या फिर पार से पाकिस्तानी दहशतगर्दों को इस तरफ भेजा जाए। कुछ ऐसे एलिमेंट आए उनको खत्म किया गया है, अभी भी ऐसी कोशिशें बीच बीच में होती हैं, उनको नाकाम किया जा रहा है। आरो खबरेर अपडेट पेते सब्सक्राइब करुन आमादेर यूट्यूब चैनल टी और बेल आइकने क्लिक करुन नोटिफिकेशन्स पेते।
Please don't forget to subscribe our channel and also click the bell icon to get the latest updates. और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।